हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये फंक्शंस का पार्ट टू है। मैंने फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो पार्ट वन के अंदर कवर कर लिए थे, तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 10 मेरा नहीं देखा है तो वो उसको रेफर कर सकते हैं। ये लेसन नंबर 11 के अंदर जो है हम लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने पार्ट वन के अंदर डिस्कस नहीं की थी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? तो बेसिकली हम जो है सेम नाम के फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उसकी जो है आर्ग्यूमेंट्स जो हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो, या तो फिर उसकी टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, या उसके एक्सटर्नल पैरामीटर्स हों। ठीक है, तो ये मैं आपको कोडिंग से समझाऊंगा तो बात अच्छी तरीके से समझ आएगी। फिलहाल एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दो फंक्शन बनाए, एक गेट वैल्यू का बनाया, एक ही इन्होंने रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखी है विच इज 31, और एक ही रिटर्न टाइप इन्होंने जो है वो मैट गैलोवे रखी है विच इज स्ट्रिंग। तो अगर किसी भी जो है दो फंक्शन का नाम सेम हो और उसके रिटर्न टाइप डिफरेंट हो तो उसकी बेसिस पे आपकी फंक्शन ओवरलोड हो जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज सिंपली मीन्स कि फंक्शन हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा कोड के थ्रू समझाता हूँ तो बात अच्छी तरीके से समझ आएगी और हम मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। ये मैंने नेक्स्ट किया स्विफ्ट फंक्शंस पार्ट टू, इसको मैंने क्रिएट किया। तो पहले एक और बात आपके इसके अंदर नोटिस करेगा, जो नोटिस करने वाली है कि इसी के एग्जांपल को मैं बेहतर तरीके से नोट कर दूं। फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल वन, तो ये मैंने फंक बनाया गेट वैल्यू का, और इस पे मैंने जो है वो 31 जो है वो इसको अगर मैं यूं करूं इंटीजर। ठीक है, रिटर्न का कीवर्ड भी आप बेसिकली मिस कर सकते हैं स्विफ्ट 5 के अंदर, तो देखो रिटर्न का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाए तो एक्सप्लिसिटली बेहतर होता है, लेकिन स्विफ्ट के अंदर आप जो है वो अगर आप यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो जरूरी नहीं है स्विफ्ट 5 के अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज करें, लेकिन अक्सर ये यूज हो रहा होता है। फिलहाल इसके बगैर देख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फराज अहमद, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो फॉर एग्जाम्पल लेट गेट इंटीजर वैल्यू, तो अगर मैं इंटीजर दबाऊंगा, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया इंटीजर, तो यहाँ पे मैं गेट वैल्यू करूंगा, यहाँ पे गेट वैल्यू अगर कॉल करूंगा तो ये इंटीजर की बेसिस पे मेरी वैल्यू सेव हो जाएगी। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो इंटीजर टाइप का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्ले करूं, देखिए यहाँ पे 31 आ रहे हैं। रिटर्न का कीवर्ड ना यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने, ना यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो मैंने आपसे बोला था ये चीज़ आपकी नोटिस करने वाली बात है कि आप जो है रिटर्न का कीवर्ड यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को मैं स्ट्रिंग कर देता यूं करके गेट स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग, तो अब जो ये टाइप कॉल होगी वो स्ट्रिंग वाली कॉल होगी, यानी कि ये वाली, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप जो स्ट्रिंग है और आपसे वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है जो आपकी वैल्यू रिटर्न है वो स्ट्रिंग टाइप की हो, तो वो इसको इग्नोर करके वो इसको कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ गेट स्ट्रिंग वैल्यू, तो नोटिस करेगा कि आपको ये फराज अहमद रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो सीखा बेसिकली आप लोगों ने ये है कि अगर फंक्शन के सेम नाम हो सकते हैं अगर उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट हो तो फंक्शन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा जो कि ज़्यादा आसान भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप रिलेट भी कर पाएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऐड का बनाया और उसमें एक ए लिया इंटीजर पैरामीटर, एक बी लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया। अब रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, एक और मैंने फंक्शन लिया, उसकी टाइप मैंने डिफरेंट कर दी, अब यहाँ पर डबल कर दिया, यहाँ पे मैंने डबल कर दिया। ठीक है, तो ये भी इस तरह ओवरलोड आएगा और मैंने यहाँ पे ए प्लस भेज दिया। तीसरा मैंने फंक्शन लिया, ऐड किया, उसमें मैंने इसकी एक रिटर्न टाइप जो है मैंने क्या कर दी, स्ट्रिंग कर दी, इसकी भी रिटर्न टाइप जो है मैंने स्ट्रिंग कर दी, राइट, और मैंने इसका जो रिटर्न करवाया वो इंटीजर रिटर्न कराया, ये मैंने रिटर्न टाइप नहीं लगाई थी, इस वजह से एरर दे रहा है। अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर ये एरर मेरा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग से ये रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया, अभी आपका जो है वो आज सच कोई मसला नहीं करेगा।
अब मैंने क्या कि यहाँ ऐड बनाया नया फंक्शन, लेकिन मैंने इसके तीन नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दिए, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर, एक्सटर्नल इंटरनल में समझाऊंगा उसके बाद हम ये भी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर लगा दिए ये सीवीएस के साथ। तो अब जरा और से नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे चार फंक्शन आपके सेम नेम के साथ with different type of parameter or with different number of parameters. यहाँ पे number of parameters are different और यहाँ पे type of parameter are different. ये मैंने change किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे change जो मैंने यहाँ पे किया है वो basically ये change किया है। तो अब ये function जो है चार function overload हो जाएंगे। तो अब अगर मैंने इसको अगर मैं play करूँ, let मैंने किया answer, तो अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे ऐड वाला कॉल करूं और मैंने इंटीजर के लिए कॉल किया 2.3, तो आपका पहला वाला कॉल हो जाएगा कि दोनों इंटीजर हैं। तो अगर मैं प्ले करूं रिजल्ट, तो पहला वाला आपका कॉल हो जाएगा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, तो वो आपको दोनों को प्लस करके 6 दे देगा आंसर। अगर ये स्ट्रिंग वाला कॉल होता, स्ट्रिंग वर्जन में यहाँ लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग वर्जन ऑफ ऐड gets called, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग दे देता हूँ यूं करके नाम को जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्विफ्ट कैपिटल में और यहाँ पे मैंने 5 भेज दिया, ठीक है। तो अब दोनों को प्लस करके स्विफ्ट 5 आएगा गैप के साथ ही, तो यहाँ गैप कर देते हैं ताकि गैप भी आए। तो अब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो ये आपका स्ट्रिंग वाला कॉल हो जाएगा, स्ट्रिंग वर्जन गेट्स कॉल्ड, क्योंकि दोनों ने आपने स्ट्रिंग भेजी तो ये वाला कॉल हो रहा है, लेकिन ओवरलोड ये सारे हो गए। अब एक काम करते हैं कि तीन पैरामीटर का भेजते हैं इसको कॉल कराने के लिए। तो अगर मैं तीन पैरामीटर भेजूं तो तीन पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ 5 यहाँ पे मैंने 6 भेजा। तो अगर मैं इस आंसर को प्रिंट कराऊं तो आपका तीन पैरामीटर वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन पैरामीटर है। तो फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न टाइप। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल दी, चौथा जो होता है एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर, जब मैं ये डिस्कस करूंगा तो ये आपको बात समझ आ जाएगी। तो अब बात करते हैं ये एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, एक फंक्शन डिक्लेयर किया प्रिंट मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ऑफ नंबर मल्टीप्लायर, कि मैंने यहाँ पे दो एक चीज के दो नाम दे दी, एक पैरामीटर के दो नाम है नंबर और मल्टीप्लायर। ये लेफ्ट वाला एक्सटर्नल कहलाता है, जो मैं यूज करूंगा अंदर वो आपका इंटरनल पैरामीटर होगा। यहाँ पे दे दिया आपने इंटीजर, यहाँ पे एंड वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराया कि मल्टीप्लाई और वैल्यू आपस में आपने मल्टीप्लाई कराई, लेट आंसर इक्वल्स टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। इंटरनल पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो राइट हैंड साइड पे होते हैं और जो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पैरामीटर वो पैरामीटर है तो जो कॉलिंग के वक्त आपकी ये लेफ्ट साइड पे हो, तो जो कॉलिंग के वक्त यूज हो रहे होते हैं। तो आपने एक ही पैरामीटर के दो नाम दे दिए, तो आपने ये मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लायर को वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर इज। मकसद क्या होता है, मकसद बेसिकली ये होता है कि आपका जो कोड है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो एक्सटर्नल पैरामीटर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि फंक्शन को जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन ह्यूमन रीडेबल बनाया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से इन्होंने एक्सटर्नल पैरामीटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब जो कॉलिंग होगी इसकी, जो कॉल करूंगा इस फंक्शन को, वो बेसिकली एक्सटर्नल के नाम से कॉल करूंगा। देखा जरा गौर से नोटिस करें तो नंबर आपका एक्सटर्नल पैरामीटर है जो कॉलिंग के वक्त इस्तेमाल हो रहा है, और एंड जो है वो आपका भी एक्सटर्नल पैरामीटर जो कॉलिंग के वक्त यूज हो रहा है। तो एक्सटर्नल पैरामीटर आर दोस पैरामीटर जो कॉलिंग के वक्त आपका यहाँ पे मेंशन हुए हुए होते हैं, और इंटरनल पैरामीटर और दोस पैरामीटर जो फंक्शन के इनसाइड यूज हो रहे होते हैं, जैसे मल्टीप्लायर और वैल्यू राइट हैंड साइड पे होते हैं। इस तरह याद कर लें ज्यादा आसानी होगी। जो लेफ्ट वाली चीज, जो लेफ्ट वाला नाम है वो एक्सटर्नल है, लेफ्ट वाला नाम जो है वो एक्सटर्नल है,
जो राइट वाला नाम है वो इंटरनल है, जो अंदर इस्तेमाल हो रहा था. इंटरनल मीन्स इनसाइड एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द फंक्शन, राइट. तो अब मैंने यहाँ पे दिया 5 और 5 यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होकर मेरा आंसर जो है यहाँ पे फंक्शन ये कॉल होगा, यहाँ पे जंप करेगा तो ये 30 मेरा जो है आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक चीज होती है सी लाइक कॉलिंग. सी लाइक कॉलिंग में बेसिकली होता है कि आप जो है ज्यादा फंक्शन को डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाते, क्योंकि पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर आप इस तरह कॉलिंग नहीं करते, आप इस तरह कॉलिंग करते, राइट. तो आपने अगर इस तरह कॉलिंग करनी है सी लाइक कॉलिंग, तो इसका हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम सी लाइक कॉलिंग कर देते हैं. तो अगर मैं अंडरस्कोप करूं तो ये आपके एक्सटर्नल पैरामीटर जो इग्नोर हो गए. अब सी लाइक कॉलिंग भी करा सकते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे ये ओवरलोड हो गए. तो अंडरस्कोप लगा दिया, अब देर आर नो एक्सटर्नल पैरामीटर्स. मैंने बताया था अंडरस्कोप आप किसी भी वेरिएबल को इग्नोर करने के काम आता है. तो अगर आपको सी लाइक कॉलिंग करानी है तो आप इसको इस तरह इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं, अब आपके इंटरनल पैरामीटर है. अगर मैं ये वाला कॉल करूंगा तो आपका ये वाला कॉल होगा. तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी लाइक कॉलिंग. Version gets called, func gets called, right? C like calling करानी है तो आपने external parameter आपको use करने की जरूरत नहीं. आप underscore लगाते तो ignore कर देगा. तो ये basically आप ज़्यादा अगर C और C++ use किया तो आप इस तरह की calling करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा. तो अगर play करूँ देखिए C like calling वाला function call हो रहा है इसके लिए, ठीक है. अगर इसमें कोई ignore भी कर दूँ तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, आपकी ये दोनों function same name है विद एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं तो ये दोनों ओवरलोड हो गए. तो आपका तीसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि हम किस तरह डिफरेंट एक्सटर्नल पैरामीटर इंटरनल पैरामीटर से इसको ओवरलोड कर सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है दूसरे के साथ ऑफ देना है तो ऑफ के साथ भी ये कॉल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये ऑफ दे देता हूँ मैं, अब यहाँ पे इसके साथ मुझे ऑफ लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल पैरामीटर दे दिया. तो प्रिंट मल्टीपल यहाँ पे आपने ऑफ दे दिया, अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह कॉल होगा. या पहले वाले के साथ आप जो है वो प्रिंट मल्टीपल ऑफ, और पहले वाले के साथ आप 5 लगा दें और दूसरे के साथ आप ऑफ लगा दें. ठीक है, ऑफ लगा दिया आपने. ठीक है, अब ऑफ लगा के आपने यहाँ पे 8 दे दिया. तो अब सेकंड वाला ये सी लाइक फंक्शन कॉल होगा ये वाला, क्योंकि आपने एक के साथ तो इग्नोर करा दिया, दूसरे के साथ आपने एक्सटर्नल पैरामीटर लगाया. तो ये भी पॉसिबल है कि एक पैरामीटर को आपने सी लाइक कॉलिंग की तरह करा दिया, दूसरे को आपने एक्सटर्नल पैरामीटर दे दिया. तो ये भी पॉसिबल है. तो अगर मैं प्रिंट कराऊं तो यही वाला नीचे वाला वर्जन कॉल होगा, ऑफ वाला. तो ये कॉल हो रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि इसको कॉल करने के लिए आपके दोनों आपके एक्सटर्नल पैरामीटर ये भी होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए. तो अगर ये वाला आपको एक्सटर्नल, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एक्सटर्नल पैरामीटर्स फंक वर्जन गेट्स कॉल्ड. तो अब ये इसके लिए आप को बेसिकली आपको ये पूरी इसकी जरूरत पड़ेगी. नंबर और एंड मैंने लगाया यहाँ पे 8, यहाँ पे लगाया 10. तो एंड और यहाँ पे नंबर आ रहे तो ये वाला कॉल हो रहा है क्योंकि दोनों आपने एक्सटर्नल डिफाइन किए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सटर्नल डिफाइन किया हुआ है. तो ये इस तरह भी ओवरलोड हो जाते हैं. जरूरी नहीं है कि अगर आपने इसके साथ अंडरस्कोप लगाया तो उसके साथ भी अंडरस्कोप आएगा. तो इट मैटर्स आपका किस तरह का है, लेकिन इसका मकसद बेसिकली ये होता है फंक्शन को ये ज्यादा से ज्यादा आपका डिस्क्रिप्टिव बना सकता है. तो देखें जरा इसको पढ़ने भी आसानी हो, प्रिंट मल्टीपल ऑफ नंबर दिस एंड दिस. तो ये ज्यादा रीडेबल है, बनिस्बत आप ये रीडेबल करें. तो सी लाइक कॉलिंग इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, इस वजह से स्विफ्ट ने यहाँ पे एक्सटर्नल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. ये आप जब लेसन नंबर 12 में जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हमारा फेज स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमें ये एक्सटेंसिवली यूज हो रहे होंगे. इस वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट डीप में एक्सप्लोर करा दिया आप लोगों को. तो ये थे आपके एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर. अब एक और सिनेरियो देखते हैं, ये नई चीज है लैंड ऑफ नो रिटर्न. ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कभी रिटर्न नहीं होते. मैं नेवर गेट्स नेवर रिटर्न मैंने इसका फंक्शन का नाम दे दिया. तो जो कभी रिटर्न नहीं हो रहे होते, तो ये नेवर रिटर्न टाइप की वाइल ट्रू मैंने लगा दिया यहाँ पे. अब ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है यहाँ पे जो कि कभी भी रिटर्न नहीं होगा. ये कब लगाते हैं, फंक्शन कब यूज करते हैं, ये नेवर क्यों दिया हुआ है. नेवर मतलब कभी आपने कंट्रोल फ्लो से वापस जाएगा ही नहीं. फॉर एग्जांपल आप किसी करप्ट डाटा से आपका इनकाउंटर पड़ता है तो जब तक आप वो चाहता नहीं आपका प्रोसेसर के इस करप्ट डाटा को एग्जीक्यूट करे, तो बेहतर तरीका होता है कि आप इस तरह के फंक्शन को यूज कर लें
जब तक आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो जाती, वो करप्ट डाटा आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको फोर्सफुली एप्लीकेशन को क्रैश करना होगा। तो जब भी आपकी करप्ट डाटा की कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल करप्ट डाटा आपका प्रोसेसिंग पे आ जाता है, तो आप इस तरह के फंक्शन को यूज करते हुए उसको क्रैश, एप्लीकेशन को इंटेंशनली क्रैश करते हैं, ताकि हम करप्ट डाटा, आपके जो एप्लीकेशन जो है वो करप्ट डाटा से बच सके। तो स्विफ्ट ने स्पेशली ये सिक्योरिटी के लिए ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है। नेवर का मतलब ये होता है कभी भी रिटर्न ना हो, कभी भी ये नीचे कंट्रोल फ्लो में ना आए, हर वक्त चलता रहे। तो वाइल टू की स्टेटमेंट लगा देते हम और ये फंक्शन चलता रहता है जब तक आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो जाती। जब तक ये चलता रहेगा 24 घंटे मेमोरी कंज्यूम होगी तो इवेंचुअली आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो एप्लीकेशन को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए हम लोगों ने एंड ऑफ नो रिटर्न की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं होता, लेकिन ये जो है अक्सर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने के लिए या सिर्फ को एप्लीकेशन के बग से बचाने के लिए इस तरह की चीजें यूज हो रही होती है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लैंड ऑफ नो रिटर्न का। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, वो ये कि हम जो है स्विफ्ट के अंदर अपने फंक्शन को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, हम इसी एग्जाम्पल को यूज कर लेते हैं। तो डो ऑक्सीजन, बेसिकली डी ऑक्सीजन जो है आपकी कमेंटिंग का एक तरीका होता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज हो सकता है। तो हमने बेसिकली करना ये एक एवरेज का फंक्शन बनाना है जो कि एवरेज ऑफ 3 नंबर दे सके, ठीक है। तो इस छोटे से पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, हमारा फंक्शन है क्या, फिर इसको हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं। कैलकुलेट एवरेज इन्होंने करवाया हुआ है यहाँ पे, डबल एली टाइप ऑफ ऑफ, इन्होंने एक्सटर्नल पैरामीटर यूज किया। देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के अंदर भी एक्सटर्नल पैरामीटर यूज किए हैं, एंड सी तो तीनों डबल लिए इन्होंने और इसका एवरेज लिया इन्होंने, दैट टोटल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को टोटल किया, लेट एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 3। तीनों नंबर का एवरेज है तो टोटल डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो मैंने रिटर्न करा दिया एवरेज, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर लेट, मैंने एवरेज आंसर, मैंने एवरेज रिजल्ट कर दिया इसका आंसर और मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑफ आ गया, देखें एक्सटर्नल पैरामीटर, यहाँ पे एंड है आपका, ये बी से पहले एंड लगा हुआ है, सी से पहले एंड लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे दिया 5, ये दिया 6, ये दिया 7। तो अगर इसका एवरेज करूँ 5 प्लस 6, 18 डिवाइड बाई 3, 18 ही आएगा, 18 डिवाइड बाई 3 आपका जो 6 आना चाहिए इसका आंसर। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ तो मेरा आंसर जो है वो 6 आना चाहिए, क्योंकि आपका जो है 6 आता है, क्योंकि 5 प्लस 6 आपका 11 हुआ है, 11 प्लस 7 इज 18, 18 डिवाइड बाई 3 इज 6। तो अब ये फंक्शन मैंने बनाया है, इसकी कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी हुई, नो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। तो अगर मैं ऑल्टर क्लिक दबा रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं आ रही। अब इसको मैं थोड़ा मीनिंगफुल भी बना सकता हूँ, कैसे होगा, जरा इस तरह होगा, जरा देखिएगा कि ये, और समरी भी दे फंक्शन किस टाइप का है थोड़ा, और इसके पैरामीटर के बारे में डिस्क्रिप्टिव बनाए। डॉक्यूमेंट करने का फायदा ये होता है कि अगला बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोड यूज कर रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर दूसरे लोग भी आपका कोड देख रहे होते हैं, अगर आप टीम एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, तो अगर कोड अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट होगा तो उसको बात समझ आ जाएगी। तो बेहतर तरीका होता है इसको डॉक्यूमेंट कर लें। अभी फिलहाल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कुछ नजर नहीं आ रही। अब देखें कोड को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। कोड को डॉक्यूमेंट करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि आप इस तरह के फॉरवर्ड स्लैश यूज करके आप पहले बताओ उसकी समरी क्या है। तो इस मकसद बेसिकली इस फंक्शन का कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज। ये मैंने इसकी समरी बता दी, भाई ये फंक्शन का मकसद बेसिकली ये है, तो समरी में ये आएगा। अब इस देते हैं इसके पैरामीटर की डेफिनेशन के, इसके पैरामीटर्स के। तो ये 3 डैश लगा यहाँ पे, डैश करके मैंने पैरामीटर्स लिखा और फिर मैंने कोलन लगाया, ठीक है। अब फिर दोबारा 3, अब ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का है द फर्स्ट वैल्यू, ये है। फिर मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके मैं इसी तरह बी का दे दूंगा, फिर इसी तरह आपका सी का आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो b है वो क्या है, द सेकेंड वैल्यू,
और सी जो है आपका द थर्ड वैल्यू, ठीक है। अब रिटर्न का भी बताएंगे, रिटर्न क्या करवा रहा है वो, तो रिटर्न का भी हम लोग दे देते हैं। रिटर्न क्या कर रहे हो, द एवरेज ऑफ द थ्री वैल्यूज। तो अगर मैं अब देखूं इसको, तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फंक्शन को क्लिक कर रहा हूं तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मुझे वो प्रोवाइड करेगा इस चीज की। देखिए यहाँ पे आपने इसकी समरी दी, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ थ्री वैल्यूज, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया आपका कोड। आपने पैरामीटर्स को भी मीनिंगफुल बना दिया, देखिए ए द फर्स्ट वैल्यू, द सेकंड वैल्यू, द थर्ड वैल्यू। तो इस तरह आपको जो है फंक्शंस को है बहुत ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल बना सकते हैं आपके। पहले ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई थी, अब आपने इसको जो है वो आपने जो है वो इसको डिस्क्रिप्टिव बना दिया। एक और चीज यहाँ पे जरा नोटिस करिएगा कि यहाँ पे इन्होंने रिटर्न में भी द एवरेज ऑफ थ्री वैल्यूज इन्होंने दे दिया, तो आपने यहाँ पे भी आपकी चीजें नजर आ रही। तो इस तरह आप कस्टम डॉक्यूमेंटेशन भी किसी फंक्शन पे डाल सकते हैं यूजिंग स्विफ्ट, ठीक है। तो ये तरीकेकार होते हैं, ये नई चीज है जो कि स्विफ्ट 5 के अंदर मौजूद है। दैट्स हाउ यू विल डू इट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मुझे आपसे नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो है आपका फंक्शन एज वेरिएबल्स। फंक्शन को हम वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बेसिकली हम फंक्शन को किसी, फंक्शंस कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल इन स्विफ्ट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, आप चौंक गए होंगे फंक्शन कैसे वेरिएबल बन सकता है। यू कैन असाइन फंक्शन इन अ वेरिएबल, हम दोनों काम करेंगे वेरिएबल को, एक वेरिएबल का फंक्शन असाइन होता है। यू कैन इवन पास फंक्शन इन एन अदर फंक्शन, हम दोनों काम करके दिखाएंगे आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट सारे आपके जो है मजीद क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट डिस्कस करना कि फंक्शन जो है एक वेरिएबल की तरह यूज हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम किसी फंक्शन को वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं, जरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाया क्योंकि एग्जाम्पल में भी यूज हुआ हुआ, सी लाइक कॉलिंग की इन्होंने, मैंने बी बनाया और फिर मैंने इसको रिटर्न करा दिया। अभी रिटर्न करवा देता हूँ मैं ए प्लस बी। अब ये एक ऐड का फंक्शन बन गया और बाहर मैंने एक फंक्शन लिया और मैंने ऐड में असाइन करवा दिया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को ऐड की तरह यूज कर सकता हूँ। अगर मैं कॉल करूँ लेट आंसर, लेट आंसर किया, अब मैं इस वेरिएबल को फंक्शन की तरह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 2, यहाँ पे 5। देखिए यू कैन असाइन अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया एग्जैक्टली ये काम यहाँ पे हुआ, असाइन कर दिया आपने एक फंक्शन बनाया उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब उसी नाम के साथ आप फंक्शन की तरह इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो मेरा आंसर 7 आना चाहिए, तो अगर प्रिंट करूंगा मैं अपना आंसर तो मैं यहाँ पे आंसर मेरा जो है वो 7 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप दूसरा वेरिएबल असाइन करें तो ये बेसिकली वेरिएबल आपका डेटा टाइप बेसिकली बोलेंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर एरो इंटीजर। तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी असाइन हो सकता है क्योंकि बार बनाया मैंने इसको, तो अगर सब्ट्रैक्ट का बना दिया तो वो आप सब्ट्रैक्ट करेगा। अब आपका दिल चाहा कि आपने चेंज किया इसको, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए माइनस बी, मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको चेंज किया फंक्शन को, भाई मैंने अब मैंने वार बनाया तो मैं चेंज करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कर दिया आपने, अब वो आपसे अब आपसे सब्ट्रैक्शन करेगा, 10 यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, 10 यहाँ पे 3 दे देता हूँ, सॉरी। तो अब जो आंसर आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट आप असाइन हो गया क्योंकि मैंने वार बनाया था, मैंने ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट डाल दिया, तो अब वो सब्ट्रैक्ट वाला काम करेगा फंक्शन, ठीक है। अगर इसकी डेटा टाइप देखें, बिल्कुल एक डेटा टाइप बना दी उसने इंटीजर कॉमा इंटीजर एरो इंटीजर, मतलब जो फंक्शन की आपने प्रोटोटाइप बनाई थी यहाँ पे सिग्नेचर बनाया था वही इसकी डेटा टाइप हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो हमने ये फंक्शन बनाया इसको हम किसी फंक्शन के अंदर भेजते हैं, सेकंड वाला काम जो इन्होंने, फंक्शन कैन बी यूज एज अ वेरिएबल इन स्विफ्ट। यू कैन ये जो मैंने एग्जांपल डिस्कस कर लिया का सेकंड पार्ट बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे, यू कैन पास फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, ये काम करते हैं। अब ये दो फंक्शन बने हुए, ये वाला काम तो मैंने कहा था किस तरह आप असाइन कर सकते हैं, सेकंड काम आपका है क्या फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर कैसे भेज सकते हैं, तो ये भी काम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया फंक्शन बनाया ऑपरेशन के नाम से, और यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया उसकी डेटा टाइप ये बने कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसका पहला पैरामीटर इंटीजर हो, दूसरा पैरामीटर इंटीजर हो और उसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हो। फिर आपने कॉमा किया कि आपने एक ए भेजा उसकी टाइप इंटीजर, और आपने एक बी भेजा उसकी भी टाइप जो है वो इंटीजर हो, ठीक है।
और यहाँ पे आपने रिजल्ट प्रिंट कराया कि अब आप ये यहाँ पे लेट रिजल्ट किया, लेट रिजल्ट यहाँ पे किया आपने फंक्शन, और यहाँ पे आपने कॉल किया 4,5, ये आपने फंक्शन, और आपने यहाँ पे प्रिंट कराया द ऑपरेशन टू नंबर इज, जो भी आप ऑपरेशन भेजेंगे उसका रिजल्ट आपका रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा फंक्शन मुझे दो जिसके दो पैरामीटर और दोनों इंटीजर टाइप के और रिटर्न टाइप इंटीजर हो, तो दोनों में से कोई एक भी जा सकता है आपका। यहाँ पे मैंने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन को मैंने यहाँ कॉल करवा था, अब मेरी मर्जी है मैं या सब्ट्रैक्ट को भेजूंगी ऐड को, दोनों भी इस टाइप को मैच करें, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है रिटर्न टाइप इंटीजर है, सेम गोस सब्ट्रैक्शन कि यहाँ पे इंटीजर है ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इसको भी भेज सकता हूँ इसको भी भेज सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऐड को भेजा, यहाँ पे ए भेजा मैंने 5, बी भेजा मैंने 6, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि अंडरस्कोप लगा हुआ है, कोई आपसे एक्सटर्नल डेटा टाइप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो अगर ऐड करूंगा तो मुझे ये ऐड करके दे देगा 9 आ रहा है 5 + 6। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सब्ट्रैक्ट भेज देता, सब्ट्रैक्ट फंक्शन भेज देता, तो अब वो सब्ट्रैक्ट करके मुझे दे देता 5 - 6 - 1 आंसर आना चाहिए, देखिए -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, सीखा आपने ये कि आप जो एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल की तरह भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप जरा गौर से नोटिस करें, ऐड एक फंक्शन था पूरा का पूरा, आपने दूसरे फंक्शन के अंदर यहाँ पास करवा दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एक पूरा फंक्शन था, सब्ट्रैक्ट के नाम से आपने एक पूरा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन ऑपरेशन के फंक्शन के अंदर पास करा दिया जिसकी डेटा टाइप ये है, देखें यही डेटा टाइप है आपकी, यही आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐड की भी डेटा टाइप है, अगर क्योंकि और डेटा टाइप होती कोई और सिग्नेचर होती तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 3 पैरामीटर होते तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, फंक्शन इन स्विफ्ट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल इन स्विफ्ट, आपने देख लिया, क्योंकि हम वेरिएबल में भी असाइन कर रहे होते और वेरिएबल को फंक्शन में पास कर रहे होते तो फंक्शन भी ये दोनों काम कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता, तो मैंने रेलेवेंट समझा तो ये आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ तक थी आपकी स्विफ्ट का पार्ट 2, तो मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अटैच कर दिए तो आप ये भी देख सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए, तो आपके मजीद कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो मैंने काफी ब्रॉडली इसको डिस्कस कर लिया और वीडियो भी आई थिंक लंबी हो गई है, तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका फंक्शन का टॉपिक अच्छी तरह कवर हो जाए, क्योंकि फंक्शंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विफ्ट का, हर अच्छी प्रोग्रामिंग जो आपकी एप्लीकेशन बन रही होती है वो फंक्शन से बन रही होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मेरे ईमेल पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।